काफी एस्पिरेंट्स ये कहते हैं कि प्रीलिम्स के साथ साथ ही आपको मेंस की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। तो जो नए व्यूवर्स हैं उनके साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लीज शेयर करेंगे कि पहले आपको फुली फोकस प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए या पैरेलली आपको मेंस की भी तैयारी करते रहनी चाहिए। सो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत डिसजॉइंट है। इफ आई हैड टू पुट इन, प्रीलिम्स में आप जो पढ़ते हैं दैट्स द बेस ऑन विच द इंटायर मेंस का सिलेबस इज बेस्ड अपॉन। सो इवन आप प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, आप आइडियली आप द वे यू स्टार्ट इज यू रीड द बेसिक बुक्स, देन यू गो टू मेंस का सिलेबस एंड उस तरह से आपकी पूरी मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। तो आपको मेंस का आप जब पढ़ने भी बैठोगे तो आपको बेसिक किताबें पढ़नी है एंड दैट कंप्राइजेज योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो वो आप फर्स्ट फेज में तो करोगे, बट एज द एग्जाम कम्स नियर, जैसे 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो यू अगेन शिफ्ट बैक टू योर बेसिक बुक्स जो आपका प्रीलिम्स का कोर है। तो देयर इज, आई वुडंट से कि पहले प्रीलिम्स का कीजिए या मेंस का कीजिए, आप बेसिकली मेंस की तैयारी करते हैं, बट मेंस की तैयारी को करने के लिए भी आपको बेसिक चीजें होती है विच इज द प्रीलिम्स का सिलेबस। एंड एज एग्जाम नजदीक आता जाता है, 4 महीने या 5 महीने बचे हुए हैं, तो आई वुड से कि शिफ्ट योर फोकस इंटायरली टू प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ हाउ वेल यू रिमेंबर थिंग्स। आपके टिप्स पे क्या है, आपके मतलब आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हो और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। सो एग्जाम से पहले आप प्रीलिम्स वाले मोड में शिफ्ट हो जाए, बट बुक्स सेम है, बेसिक किताबें सेम है दोनों की। और इंटरव्यू के टाइम पे आपका जो टैफ था उससे कितने क्वेश्चंस आए और आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? तो मेरा इंटरव्यू वाज एंटायरली बेस्ड ऑन टैफ, मुझसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन या करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सो माय 75% इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन माय होम स्टेट, सो होम स्टेट की प्रॉब्लम्स, होम स्टेट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में मुझसे पूछा गया, फिर मुझसे मेरे जॉब के बारे में पूछा गया, फिर मैंने कॉलेज में क्या किया है उसके बारे में पूछा गया, थोड़ा सा मेरे ऑप्शनल के बारे में पूछा गया, एंथ्रोपोलॉजी के एस्पेक्ट के बारे में। सो माय इंटरव्यू वाज एंटायरली टैफ ड्रिवन। आपने बताया कि आपने किस तरह से प्रीलिम्स की तैयारी की, व्हेन डिड यू स्टार्ट एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन या यू वेटेड टू कंप्लीट द ग्रेजुएशन? मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मैंने पिछले दो अटेम्प्ट भी लिखे थे, बट वो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं लिखा था। इनफैक्ट 1 महीने टाइप्स प्रिपेयर करके मैंने दिया था, एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव कि वैसे ये एग्ज़ाम नहीं निकलता, यू हैव टू गिव डेडिकेटेड एफर्ट। सो मैंने फाइनली अच्छे तरीके से तैयारी दिसंबर 2021 से स्टार्ट करी थी, एंड दिसंबर 2021 से अक्टूबर में हमारा प्रीलिम्स था, तो उस वो ड्यूरेशन जो था उसमें मैंने केवल यूपीएससी की ही तैयारी करी थी और कुछ नहीं किया था। उस टाइम मैं सबैटिकल पे था,